MI मोबाइल स्टोर एवं रिधिमा मोबाइल लेकर आया है सैमसंग एवं बजाज फाइनेंस सुविधा। हर कंपनी का मोबाइल आसान किस्तों पर घर ले जाएं। साथ ही दिवाली के मौके पर विशेष ऑफर उपलब्ध है। हमारा पता है MI मोबाइल स्टोर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉम्प्लेक्स, दुकान नंबर 16, रहली, मध्य प्रदेश। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें विवेक गुप्ता 93 29 78 39 22। प्रदेश के झाबुआ जिले के पेटलाबाद क्षेत्र के थानला बदनाबर हाईवे नंबर 18 पर ग्राम मोहनपुरा रेलपाड़ा माही नहर के समीप अज्ञात टैंकर वाहन द्वारा जहरीला केमिकल किसानों के खेत के पास खाली कर दिया, जिसके बाद आसपास कई किसानों की फसल खड़ी खड़ी ही सूख गई। महज 24 घंटे से हवा में फैले केमिकल ने किसानों की फसल को बर्बाद कर दिया। खास बात यह है कि अनजान जहरीला गैस हवाओं के साथ फैल रही है। जिन खेतों में हवाओं का रुख होता है वहां की फसल सूख रही है। किसानों के खेतों में गेहूं की फसल पूरी तरह सूख गई। ग्राम रेलापाड़ा में 3 फरवरी को अज्ञात वाहन द्वारा केमिकल तेजाब का टैंकर खाली कर गए, जिससे खेत में फसल जलने लगी। ग्राम रेलापाड़ा के किसान कोदा निनामा तेलसे निनामा प्रेम निनामा नानूराम भुरिया शंभू एवं अन्य किसानों ने मंगू डामर और लालू ताड़ सहित अन्य किसानों के खेतों में रसायन के प्रभाव से गेहूं जलकर नष्ट हो गए। वहीं किसानों ने अब शासन से मौका देखकर पंचनामा बनाने और उचित मुआवजा दिलवाने की मांग की है। किसानों ने अज्ञात वाहन के खिलाफ सारंगी चौकी में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई। रेलापाड़ा के किसान कोदा निमामा और प्रेम निमामा ने बताया कि रात में रसायन से भरा टैंकर खाली कर गए, गेहूं की फसल सूख गई है। अब सवाल यह है कि आखिर वह अज्ञात टैंकर वाहन कौन है और क्यों किसानों की खड़ी फसल के पास जहरीला पदार्थ डाल रहा है। पेटलाबद क्षेत्र में करडाबद के समीप भी खेतों में इसी प्रकार कोई अज्ञात वाहन केमिकल खाली कर गया था, जिससे किसानों की गेहूं की फसल नष्ट हो गई थी। वहीं अब यह थांदला बदनाबर मार्ग पर इस प्रकार का दूसरा मामला है। संजय बैरागी, खबर एक्सप्रेस न्यूज, झाबुआ। श्री ठाकुर बाबा कंस्ट्रक्शन, हमारे यहाँ रेत और गिट्टी उचित दामों पर उपलब्ध है। रेत और गिट्टी के लिए संपर्क करें हर्ष नेमा चांदपुर वाले। हमारा पता है मेन बस स्टैंड रहली देवरी रोड चांदपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 91 31 25 97 36।